No. Clear! क्यों मैं पाकिस्तानी हूँ? सूजी है सूजी। श्रीलंका वालों ने कमी छोड़ दी हो तो मैं भी सुझा दूँ। यह है श्रीलंका की टीम। जी हाँ, और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, मोहम्मद हसनैन ने 4, हारिस श्रोफ ने 4, शादाब खान ने 4, इफ्तिखार अहमद ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी आउट किया। पाकिस्तान हारा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी। पाकिस्तानी हो आगे सुकून। अरे आप अपना काम करो ना भाई। पाकिस्तानी हमेशा बड़बोलेपन के शिकार रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे 1965 की जंग में हमने उनको शिकस्त देकर हमने डिफेंड किया था, ऐसे ही आज हमने डिफेंड किया। क्रिकेट में हम इस चीजों को नहीं लाना चाहिए, आपको नहीं लगता? इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है भारत को एक मैच में हरा दिया तो हमने पूरी जंग जीत ली है, इनके पैर जमीन पे नहीं गिरते। ये दुनिया बौखला गई है। इतने बड़बोले बोल बोलने लग जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। हमारा जो पहला मैच जो हम हारे हैं ना, वो इस वजह से हारे हैं क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी हुई थी कि हमने पानी छोड़ देना है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पर हमारी आवाम इतनी ज्यादा है जो शीली है कि हमने वाइपर से पानी वापस भेज देना था उनको, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। बाकी है कि पाकिस्तान भाई तुमने मैच जीता, कोई जंग नहीं जीती। सही बात है। और मैच की भी खुमारी निकाल दी श्रीलंका ने। और भाई और श्रीलंका ने जो खुमारी निकाली, इसके बाद पाकिस्तानी गर्ल्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि हम हार गए। इस बेचारी का तो ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। मेरे तो एल लग गए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और ये पाकिस्तान की फेमस टिकटॉकर है और इसके ये हाले बताओ। मैम क्या था इसमें, क्या इतना इन्होंने कहा? कोई ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा था, मतलब बीच में फील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनको इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था। और दुख बहुत हो रहा है, अभी एक दो दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किसी से बात करना बहुत मुश्किल तो होगा। किसका आपको लगा, किस किस पे आपको आज था? आप तो कह रही थी बाबर भी आज स्कोर करेगा सारे, क्या ये इनको क्या हुआ? पूरी टीम ने ही ऐसा किया है, अब किस किस का नाम लेंगे हम। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कैप्टन चला जाता है तो बाकी प्लेयर्स के भी हौसले टूट जाते हैं ना। जी। तो अब क्या आपका क्या आगे प्लान है? आप तो यूरोप से आई हुई थी यहाँ पर, आपको तो कप लेके जाना। नहीं, मेरे घर में जो मेरे दो एम्प्लॉयज हैं, मेरे ऑफिस में घर में जो मेरे लिए काम करते हैं, वो श्रीलंका से हैं। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? मैं उनको भी लेकर आई कि पहली बार आप जाओगे मैच देखोगे। मैंने अपने एम्प्लॉयज को टिकट दिखाई कि आप चाहें श्रीलंका के लिए खेलें, टिकट दिलाई उनको। चल झूठा। और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पड़ोस वाले, मेरे दोस्त जितने भी हैं, मैंने सबको स्पॉन्सर किया, तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन हार जीते ना, अब क्या कह सकते हैं, आखिर में तकदीर पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मगर मैं देखें ना, आज शादाब चला ना, शादाब ने कैच छोड़े, सीधे कैच थे बिल्कुल हाथ से पकड़ के, अगर वो कैच भी पकड़ लेते हम तो कुछ करीब आ जाते मैच के। तो अब आप ना मुझे मजीद दुखी कर रहे हैं, सारी चीजें याद दिला के। छोटी बच्ची हो क्या? आंसू देख रहे हैं, ये सारे आंसू हैं। ये आप हमें नहीं, आपको हमें नहीं पाकिस्तान से प्यार, हमें भी प्यार है उतना ही, हम भी उतने डिसअपॉइंटेड हैं। अब आवाम को तो पता चलना चाहिए ना कि ये इतनी बड़ी टिकटॉकर हैं, बेचारी परेशान है, आंसुओं के साथ रो रही हैं। मगर अब आपको टीम को हमें क्या बकअप करना चाहिए, या इनको क्रिटिसाइज करें, या बाबर को चेंज करें? रोए ना प्लीज, एक मिनट पहले चुप करें। बाबर को हम चेंज नहीं करेंगे। मैं इतना कहूँगी कि हम 100 बार भी आ रहे हैं, हमें तो अपनी टीम से प्यार है ना, हम तो फिर भी मैच देखने आएंगे।
लड़कियां लड़के मुंह के ऊपर वो हरा रंग लगा के चले जाते हैं क्रिकेट मैच पे, तालियां बजाते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर उसके बाद जवाब तुम जीतो यो हारो, सुनो सुन लो फिर। खैर नहीं भैया, मैं और नहीं कुछ बोलूंगा क्योंकि इंडिया वाले मेरी क्लिप वायरल करते हैं और मैं नहीं चाहता कि दुश्मन जो है वो हमारी क्लिप लेकर उसको वायरल करे और मेरे मुल्क के लोगों का दिल दुखाए जो पहले से ही बहुत सख्त दुखा हुआ है। ओहो मैम, आपसे तो बात नहीं हो पा रही, अब मैं क्या आपसे, मैं भी आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, पर आपको मैं पानी दूँ? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम हार गए, ओके बाय। हाय हाय, इतना सुकून। जब बात चल रही है पाकिस्तान के मातम की, तो इस मातम के अंदर अगर प्यारी प्यारी पाकिस्तान की लड़कियां शामिल ना हो तो मजा कैसे फिर। हमारी गलती थी, हमने इन लोगों को सपोर्ट किया, यही हारा जीता हुआ मैच हार गए हम। नो कमेंट, सॉरी। फिर भी किसकी गलती थी, किसने दुखी किया आपको आज? जाहिर है पाकिस्तान ने किया दुखी। तो ये दुख कितने दिन रहे? फर्स्ट टाइम हम इतने शौक से देखने आए हैं, बस बहुत दिल टूट गया। नहीं, आपको उम्मीद थी ये जीत जाएंगे जो हालात चल रहे थे शुरू से? मैं बहुत उम्मीद थी लेकिन एंड पे सब खराब हो गया। बस अच्छा नहीं खेले, बैटिंग नहीं अच्छी की हमारे पाकिस्तान की तरफ से, बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं, बॉलिंग अच्छी है उसमें सही रहते हैं, बैटिंग क्या की सजा मिलनी चाहिए? अब नहीं देखने आएंगे मैं। नहीं, अब नहीं, पहले भी बच्चों के फोर्स करने पे आई हूँ, मुझे यकीन करो। अच्छा खैर, एनीवे छोड़ो, आप इन बातों को भूल जाओ, अभी भूल जाओ, पाकिस्तानी भूलने में बहुत अच्छे हैं। एक हम बिछड़ी मोहब्बत को भूल जाते हैं, उसके बच्चे आके मामू कहते हैं, हम बड़े खुशी से कहते हैं बेटा क्या है, ठीक हो अबू, कैसे अम्मी, कैसी, ठीक है ना, बिल्कुल वही कंडीशन हम लोगों की भी है ना। क्रिकेट मैच हार गया उसके बाद नहीं, क्रिकेट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा गेम खेला, हम मामू हैं, हम ठीक है, हम मामू बन के ठीक है, बिल्कुल सही है ना। श्रीलंका वाले जीत गए, बोले उन्होंने बड़ा अलग गेम पेश किया, अबे तुम लोगों ने बेकार गेम पेश किया, उन्होंने क्या अलग गेम पेश किया, उनको तो तुमने टाइम पे जो है वो सारा काम कर दिया था, मैच तुम्हें प्लेट में मिला पका पकाया, तुम हार के आ गए। श्रीलंका वाले ने गेम बड़ा अच्छा पेश किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था जिसके आखिर में हम हार गए, बिल्कुल जैसे बिछड़ी मोहब्बत होती है ना, यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं हमारे बच्चों के मामू बन गया। खैर एनीवे मूव फॉरवर्ड, अभी मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उल्टी सीधी बातें कर दूंगा इसलिए। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग भी पीछे नहीं रह सकते क्योंकि आपके पास में कलम की ताकत, और कलम की ताकत आप दिखा सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहां धड़ाधड़ चौके चक्के मार दीजिए और पाकिस्तानियों को स्टेडियम के बाहर फेंक दीजिए। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर लिया करो कभी कभी, कभी कभी। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।